उत्तर प्रदेश में चौथे चरण के लिए सियासी घमासान जारी है। पीएम मोदी के रविवार को दिए बयान पर बवाल चल ही रहा था कि अब यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दे दिया है। सियासी मैदान में बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन को खींचते हुए सीएम अखिलेश यादव ने गुजरात में गधों का जिक्र कर डाला है और उनसे अपील करते हुए कहा है कि वे गुजरात के गधों का प्रचार करना बंद करें। गुजरात वाले टीवी पर गधों का प्रचार कराते हैं और यूपी में आकर शमशान और कब्रिस्तान की बातें करते हैं। दरअसल अखिलेश यादव रायबरेली के ऊंचाहार में रैली को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान सीएम अखिलेश यादव ने गधों के बहाने गुजरात और अमिताभ बच्चन पर हमला किया। आइए अब आपको भी सुनाते हैं अखिलेश यादव का ये बयान। हम इस सदी के सबसे बड़े महानायक से निवेदन करेंगे कि अब आप गुजरात के गधों का प्रचार मत करिए, और जिन्होंने एड देखा होगा वो जानते होंगे। बताओ, कहीं गधों का भी प्रचार होता है क्या? अगर गधों का प्रचार होने लगा तो कैसे काम चलेगा? तो बताओ, गुजरात के लोग तो गुजरात के गधों का भी प्रचार करवा रहे हैं। हम प्रधानमंत्री जी से कहेंगे, आप गंगा मैया को बहुत मानते हो, आप गंगा मैया के बेटा हो, आप गंगा मैया की कसम खाओ और बोलो समाजवादी पार्टी 24 घंटे बनारस में बिजली दे रही है कि नहीं दे रही है। तो यूपी के चुनावी दंगल में गुजरात के गधों पर भी सियासत शुरू हो गई है। पीएम के वार पर पलटवार करते हुए अखिलेश यादव ने अमिताभ बच्चन को लपेटे में ले लिया है। आपको बता दें कि गुजरात टूरिज्म का प्रचार अमिताभ बच्चन ने किया है, जिसमें गधों के बारे में बताया गया है। देखते रहिए डीबी लाइव।